ये 21 तारीख से 28 तारीख तक लॉकडाउन लगाया गया था, आज अचानक ये कहा गया कि लॉकडाउन आज से खत्म कर दिया जाए। क्या ऐसा नहीं लगता कि एक बार लॉकडाउन की समीक्षा होनी चाहिए? क्या केवल कांग्रेस के पैदल मार्च के जब इस लॉकडाउन को बंद किया? हम तो ये पहले दिन से कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना, लॉकडाउन को समाप्त करना, लॉकडाउन में छूट देना, लॉकडाउन की समीक्षा सरकार को करनी चाहिए, उसके लिए कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 5 महीने में कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई है जो सुझाव दे कि कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए, कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए क्या क्या कदम सरकार को उठाना चाहिए, इसके लिए कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोग जब उनकी मर्जी होती है तब बोल देते लॉकडाउन होगा, जिस शहर में जिस अधिकारी की मर्जी होती है वो लॉकडाउन लगा देता है, जिस अधिकारी की मर्जी होती है, जिस सरकार में बैठे हुए उच्चतम पदों पर बैठे हुए लोगों की जब मर्जी होती है तब इसको छूट होगी, उसको छूट होगी, इसको नहीं होगी, उसको नहीं होगी। तो ये जो चेहरा देख देख कर सब कुछ करना, और कल कांग्रेस का आंदोलन है तो उस आंदोलन के लिए लॉकडाउन को समाप्त कर देना, 144 धारा पूरे शहर में लंबे समय से लगी हुई है उसके बारे में कोई निर्णय नहीं होना, तो क्या सत्ता पार्टी अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जैसा चाहे वैसा जनता के जीवन को संकट में डाल सकती है? और कोरोना के संक्रमण के काल में इस बात को सरकार को भी, सरकार में बैठे हुए लोगों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने, हम तो विपक्ष में हैं, हमें तो रोज आंदोलन करना चाहिए, परंतु कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए लगातार हम वर्चुअल कार्यक्रम कर रहे हैं, वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं और उसके माध्यम से लोगों को जागृत करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी भी छत्तीसगढ़ में पिछले 10 दिनों से जब से स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल है तब से लगातार टेस्टिंग रुक गई है, लोग सामने नहीं आ रहे हैं, अभी गाँव-गाँव तक, छोटे छोटे कस्बों तक कोरोना फैल रहा है। तो सरकार को इस मामले में कि क्या लॉकडाउन कब लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, लॉकडाउन का कितना फायदा मिला, कितना नुकसान हुआ, आने वाले समय में हमको कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए सत्ता पार्टी को कम से कम अपने स्वार्थ और अपनी लालच से बचना चाहिए और कोरोना के संक्रमण से लोगों का जीवन बचाने के लिए काम करना चाहिए। इस प्रकार अपने पार्टी के आंदोलन के लिए और लॉकडाउन को खत्म करना ही दुर्भाग्यजनक है। सरकार कह रही है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अति आवश्यक है तो भी घर, कभी घर से निकले, लेकिन कांग्रेस नेता मंत्रियों की उपस्थिति के लिए आदेश जारी किया जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो सत्ता पार्टी है वो अपने स्वार्थों के लिए, अपने हितों के लिए सब नियम कायदे कानूनों को तोड़े, जनता से हम आह्वान करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हम उसको तोड़ें, हम जुलूस निकालें, धरने दें, हम प्रदर्शन करें, हम मार्च निकालें, तो ये कहाँ तक उचित है ये सत्ता पार्टी को सोचने, उनके विवेक के ऊपर डिपेंड है।